नमस्कार दोस्तों, अर्लीवुड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लेना, बिना बेल आइकन प्रेस किए वीडियो आएगा नहीं। सोचो कि सब्सक्राइब कर लिए वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसलिए वीडियो भी नहीं आएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद जरूर से इधर बेल आइकन या इधर आएगा घंटी बनाओ, उसको दबा देना। चलो दोस्तों अब बात करते हैं, जो दोस्तों जैसा कि हमने थंबनेल में देखा, डूबता हुआ जहाज मैंने लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, फिर मोरिटम 3.0 है और सभी बैंक NBFC। तो दोस्तों इसमें इसके पीछे बहुत ही बड़ी रीज़न है जो मैं आपको इस वीडियो में एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा, जो आखिर डूबता हुआ जहाज़ ये मोरिटम 3.0 कुछ बैंकों का क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो आखिर डूबता हुआ जहाज़ मैंने क्यों लिखा है। डूबता हुआ जहाज़ का मतलब तो आपको मालूम ही है, यदि आपको मालूम है कोई चीज़ डूब रहा है, कोई चीज़ डूबने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या करोगे, या तो आप बचाने का कोशिश करोगे यदि वो बचने वाला होगा तो, यदि वो बहुत ही ज़्यादा डूब गया होगा तो उसको निकालना पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो इसीलिए हम डूबने से पहले ही उसको क्या करेंगे, बचाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे, जो कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिसको लेके ये कयास लगाया जा रहा है। बहुत ही सॉलिड न्यूज़ आ रही है दोस्तों, बैंक से रिलेटेड ही और मोरिटोरियम से रिलेटेड ही। यदि बैंक जहां तक आ गया तो बैंक आ गया तो वहां लोन आएगा ही आएगा, लोन जहां पर आ गया और वो भी इस मोरिटोरियम के पीरियड में, तो वहां मोरिटोरियम 3.0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका थंबनेल रखा तो, और आपको इसमें पूरी जानकारी हम दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उस चीज़ उससे समझना, आपको बहुत कुछ सीख भी जाओगे और आपको जानकारी भी मिल जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले ये देखो, डूबता जहाज़ का मतलब क्या हुआ। इधर पूरा समंदर है, पानी है और यहाँ पर जहाज़ चल रही है, जहाज़ में कुछ टेक्निकल खामियाँ होगी, या तो पानी बहुत ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से ये डूब रहा है। ठीक है, अब ये डूब रहा है लेकिन इसका ये यदि बचने वाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से यदि इस जहाज़ पे जितने भी पीपल या पीपल आदमी होगा या कुछ इस पे माल लोड होगा, ठीक है, सामान होगा, तो वो सब क्या होगा, डूब जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, यदि मालूम है कि जिसमें बहुत ही कीमती सामान है, बहुत ही वैल्यूएबल इस पे सामग्री है, तो हमें उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात करते हैं, ये देखिए, ये नीति आयोग गूगल है, गूगल पे हम क्या करेंगे दोस्तों, गूगल पे हम करेंगे नीति आयोग को सर्च। ठीक है, नीति आयोग को जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पे तो वैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए, नवभारत टाइम्स यानी टाइम्स ऑफ इंडिया का और बिजनेस टुडे को जानते ही होंगे, इंडिया टुडे, आज तक, ठीक है, आज तक को तो जानते ही होंगे आप, ठीक है ना, आज तक न्यूज़ चैनल जो है ये उसी की सहयोगी बिजनेस वाली न्यूज़पेपर है। ठीक है, बिजनेस टुडे इंग्लिश वाली। तो अब आखिर देखो, यहाँ पर देखो आखिर क्यों नीति आयोग ने इन तीन सरकारी बैंकों को बेचने का सुझाव दिया है। ठीक है, अब कहने का मतलब यह, सरकारी बैंकों को, वो भी सरकारी बैंक यदि बिक रहा है, बेचने का सुझाव दे रही है नीति आयोग, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी रीजन होगा। ठीक है, बेचने मतलब जो है डूबने, यदि कोई चीज़ डूब रहा है उसको हमें बचाना है, यदि सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल है तो सरकार क्या करेगी, उसकी जो हिस्सेदारी है, उनका जो शेयर है, सरकार बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, और ताकि उनको प्राइवेट सेक्टर सही से उस बैंक को मैनेज कर सके और उनको बचा सके। समझ में आ गई बात, इसको मैंने कहाँ से कहाँ लिंक किया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ बहुत बड़े बड़े मामले आए होंगे जिसको लेके सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ होगा। जब घाटा हुई होगी, यदि घाटा आपको होता है, किसी चीज़ को लेके लॉस होता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, उसको उस केस में या तो उसको बेचने का कोशिश करते हो, या तो उसको कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालते ही हैं। ठीक इसी तरह से अब देखिए, यहाँ पर नीति आयोग, या एक तो नवभारत टाइम्स का देख लिया, बिजनेस टाइम का देख लिया आपने, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी देख लिया, अब नवभारत टाइम्स का, यहाँ पर दूसरा है पंजाब केसरी का है, यहाँ पर देखो CNBC TV18 का भी है, नीति आयोग रिकमेंड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ 3 PSU बैंक्स एमंग अदर रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब जरा मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ, इसमें कौन कौन सी बैंक्स हैं। ये देखिए, नीति आयोग ने 3 बैंकों को निजीकरण का सुझाव दिया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी हैं बैंक हैं, अब इसमें बैंक है, देखो इसमें
पंजाब एंड सिंध बैंक है, आपको मालूम है पीएसबी बैंक, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अब दोस्तों इसमें क्या है, यदि इन बैंकों से आपका लोन चल रहा होगा, ठीक है, आपका लोन चल रहा होगा, मोरिटोरियम लोन यदि होगा तो मोरिटोरियम मिला ही होगा आपको इन सभी बैंकों से। अब जब मोरिटोरियम 3.0 ये बैंक एक्सटेंड कैसे करेगी तो आने वाले टाइम पर यह देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी इन सभी बैंकों का मोरिटोरियम भी चल रहा है, मोरिटोरियम आपने लिया होगा तो वो भी चल रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम पर अपडेट देंगे। और ये देखिए ग्रामीण बैंक और इंडिया पोस्ट को लेकर भी चल रही है, ठीक है, इन सबको मर्जर करने का। इंडिया पोस्ट में भी घाटा हो रहा है और ग्रामीण बैंक का तो आपको मालूम ही है। तो इंडिया पोस्ट, ग्रामीण बैंक और इन सभी को मर्जर यानी एक साथ करने का नीति आयोग ने सुझाव भी दिया है, ठीक है। यहां पर देखिए इनकी शुरुआत हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सभी का शेयर सरकार बेच सकती है। इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, आखिर इन सभी के साथ जो है बहुत ही बड़ा सरकार को घाटा हो रहा है और सरकार चाहती है अपनी शेयर इसकी बेच दे। और सबसे बड़ी चीज देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो फ्रॉड है, फ्रॉड का केस देखिए यहां पर, इस बैंक में भी फ्रॉड के 413 मामले हैं। यदि एक बैंक में 413 मामले आए हैं और वो भी हजारों करोड़ का घोटाला, तो ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं हो, मैं इसको यहीं पर खत्म करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में आपने सीख लिया किस तरह से सरकार बैंकों में सुधार लाने की कोशिश करे। दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।